मेरे चैनल पे जिसका नाम है द वैरायटी स्टफ और मेरा नाम है भूषण। जी हाँ, मेरे हाथ में एक पैकेज है जो है सेलफोन। फ्लिपकार्ट से सेलफोन आया है, मेरे फ्रेंड ने लिया है और इसका रिव्यू मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये फोन है रेडमी नोट 4। रेडमी नोट 4, जी हाँ रेडमी नोट 4, 3 GB और 32 GB इंटरनल, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल इसकी मेमोरी है। पूरा स्पेसिफिकेशन मैं आपको दूंगा और रिव्यू दूंगा, इन डेप्थ रिव्यू नहीं दूंगा लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू जरूर दूंगा। तो स्पेसिफिकेशन पहले आप हम लोग देख लेते हैं। 3 GB का इसमें रैम है और साथ ही साथ 32 GB इंटरनल है। 5.5 फुल HD स्क्रीन मिलती है आपको इसमें और साथ ही साथ 625 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और 4100 mAh की बैटरी मिलती है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो सिक्योरिटी के लिए इसमें दिया है। काफी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 0.01 सेकेंड में ये अनलॉक हो जाता है सेलफोन। और उसके साथ साथ सार वैलेंस भी बहुत अच्छी है। MIUI इसमें आपको मिलेगा, MIUI 8 मिलता है आपको जो एंड्रॉयड 6.0 पे बेस्ड है। ये उसकी एक्चुअली MIUI जो होता है इसका थीम होता है हम बोल सकते हैं। और जैसे हमें पता है, आपको भी पता है कि MIUI या Xiaomi का हर एक फोन चाइना का एप्पल कहा जाता है, तो इसका मैं आपको रिव्यू दूंगा। पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें बॉक्स में। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें दिखता है सेलफोन। तो सेलफोन ये मेरे पास जो है ये है गोल्ड वेरिएंट। पहले हम लोग देख लेते हैं, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। तो ये है मेरे पास गोल्ड वेरिएंट और साथ ही साथ में आप MIUI ब्रांडिंग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ कुछ जो उसके हम बोल सकते हैं कुछ वैल्यूज होती है जो गवर्नमेंट के हिसाब से करनी पड़ती है, उसका ब्रांडिंग यहाँ पे है। साथ में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ड्यूल टोन LED फ्लैश है और 30 MP का शूटर है। तो ये तो था इसका बैक का। फ्रंट में आपको दिखेगा 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन, ये 2.5D कर्व ग्लास है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेंगे हम इसे बोलते हैं फेदर टच, ठीक है। तो फेदर टच आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ईयरपीस मिलेगा, कुछ सेंसर्स मिलेंगे, सेल्फी कैमरा मिलेगा। साइड से देख लेते हैं, साइड में आपको मिलेगा एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर। उसके बाद में सिम के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे साइड में, यहाँ पे हम सिम कार्ड डाल सकते हैं। और टॉप पे से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का जो माइक होता है वो मिलेगा। तो ये तो था Xiaomi का Redmi Note 4 सेलफोन। इसके बाद में हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस क्या क्या है इसके साथ साथ। और बॉक्स में हमें मिलता है फास्ट चार्जर, जी हाँ फास्ट चार्जर, USB जो माइक्रो USB हम बोलते हैं, USB टू माइक्रो USB जो डेटा केबल होता है वो, और एक सिम इजेक्टर टूल। जी हाँ खत्म, इसमें ईयरफोन Xiaomi ने देना बंद कर दिया है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको कि काफी दिनों से Xiaomi ने अपने हेडसेट्स जो सेलफोन के बॉक्स में देते थे वो देना बंद कर दिया है। तो ये तो था Xiaomi का एक ओवरऑल लुक। तो आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। एक जो एक नॉर्मल MIUI जो होता है वो इसमें आपको दिखाई देगा। 6.0 पे ये MIUI आपको टॉप किया हुआ है। उसके बाद में काफी अच्छी स्मूथ है इसका इंटरफेस। इसके जो फेदर टच होता है, टच बटन जो बोलते हैं हम लोग, ये भी काफी अच्छी है। जी हाँ यहाँ पे लाइट इसमें लगता है। और बाकी एक नॉर्मल MI फोन में जो आपको देखने मिलेगा वही इस फोन में है। गोल्ड वेरिएंट मेरे पास है 3GB 32 GB का। तो इस फोन को अगर आपको परचेस करना है तो मैं आपको इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगा। साथ ही साथ इन डेप्थ रिव्यू के लिए चैनल पे बने रहिए। और हाँ, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है इस फोन के बारे में, फोन को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे, आपको जरूर मैं रिप्लाई दूंगा और ट्राई करूंगा आपकी हर एक क्वेरीज सॉल्व करने का। मेरा नाम है भूषण, आप थे वैरायटी स्टफ पे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ आने वाले वीडियोस के लिए
जो बेल बटन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए। आपको बेल बटन एक अलर्ट होगा, जब भी मैं कुछ नया इस पे डालूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको आ जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर तो जरूर कीजिए, एक शेयर बनता है, तो शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ आने वाले बाकी वीडियोस के लिए। थैंक यू। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, द वैरायटी स्टफ पे। जो बंदा, जिस बंदे के बारे में बात कर रहा था, मेरा जो फ्रेंड जिसने रेडमी नोट 4 लिया है, ये है वो बंदा। अभिषेक से हाय। तो अभिषेक, अभिषेक हाय। हेलो गाइस। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है रेडमी नोट 4 से, तो जरूर मुझे पूछिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। थैंक्स लॉट गाइस, आपका काफी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, अभिषेक जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं। और प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू अभिषेक। थैंक यू ऑल।